जननायक जनता पार्टी के शाहबाद हलका से विधायक रामकरण काला ने मंगलवार को बार रूम का निरीक्षण किया और वकीलों के साथ एक बैठक की, जिसमें वकीलों ने उन्हें आ रही समस्याओं से विधायक को अवगत करवाया। वकीलों ने बताया कि लंबे समय से उनकी मांग थी कि कोर्ट की चार दीवारी के साथ टूटी हुई टाइलों की मुरम्मत करवाई जाए। आपको बता दें कि विधायक रामकरण काला ने वकीलों को आश्वासन देते हुए कहा कि बार रूम के लिए जो ग्रांट आई है वह पास हो चुकी है और जल्द बार रूम की मरम्मत करवाई जाएगी। आज मेरे को जो एडवोकेट थे यहाँ, हमारे वकील थे, हमारे भाई हैं सारे, हमारे बुजुर्ग हैं, तो आज यहाँ को बुलाया था। मान ले भी हमारा जो कमरे दिए वकील थे जो देखना भी ठीक ठाक, अभी इसमें क्या कमियाँ क्या नहीं, तो जो कमियाँ हमारी मोटी इनको जो हमारे जो ग्रांट के थ्रू थे मड़ी मिट्टी जो होगी उसी ग्रांट देकर के जो सुधार होगा, हमारे शहबाद का अच्छा सुधार होगा, तो जो मतलब इनका सुधार करवा देंगे, जो मड़ी द्वार करानी या मतलब टैलें लग रही, तो इसके बीच में जो आपका जो भी कराना इनका नाम करीब हमारा कराना जरूरी है। तो आज इनके साथ आपने यहाँ पर बिल्डिंग का मुआयना किया? बिल्डिंग का मैंने मुआयना किया तो बिल्डिंग तो चलो अच्छी बन रही, बड़ी अच्छी बात है। तो जो हमारे शहबाद की जनता थी, आसपास के जो गाँव जितने भी हैं, मान लो ना कुछ तो जाना पड़ा था, तो बड़ी दिक्कत आवा थी, बुजुर्ग थे या युवा साथी थे कोई भी थे। आज हमारे जो शहबाद मोबाइल से भी आवा, जो छोटे मोटे काम दुख तकलीफ थी जो माले मारे यहीं सुलझ जाएँ, तो हमारे कुरुक्षेत्र के जाने के बजाय आज हमारे शहबाद में यहाँ काम सुलझ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। पहले तो हम गाँव में ही जो माड़े मोटे मन मुटाओ गाँव में ही हो जाऊँ, फिर उसके बाद जो नहीं सुलझ जाए तो आप यहाँ बैठ कर दो, हमारे जो वकील साहब हैं तो ये बैठ कर पहले समझाने की कोशिश कराँ, फिर कोर्ट में जो कोर्ट का केस है जो कोर्ट में जाना पड़ा कोर्ट के हिसाब से जो चला तुमका अच्छे निपटारा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए हमारे जो वकील साहब बैठे हैं, तो कोई हमारे बाहर के गांव के व्यक्ति आवा माले कहीं साफ सुथरी जगह माँ तो बैठा तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसीलिए हमने ना हमारे यहाँ आज बुलाया मुआयना कराया, यहाँ जो आज जो जगह पड़ी है जो बाहर टेढ़ी मिट्टी हो रही या यहाँ मट्टी आज वहाँ उसमें लिए टायर भी लगनी जरूरी है, तो ये जो छोटे छोटे काम थे इन्होंने मेरे को दिखाए और इनका प्रयास कराएँ ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बनाओ। यहाँ MLA साहब आए और उन्होंने यहाँ हमारे चैम्बरों का सारा देखा कि कैसे क्या कमी है, जो कमियाँ थी उन्होंने कहा कि इनको पूरा किया जाएगा बहुत जल्द, और साथ में हमें ग्रांट देने का भी वादा किया है कि हाँ जो लिफ्ट वगैरह का भी कहा है उन्होंने करेंगे, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि वो पर मंथ हमें हर महीने 500,000 की किस्त में खुद दिया करेंगे, बिन कहे दिया करेंगे कहा। जो ये अभी बात आपने कही किस्त देने की, तो ये किस चीज़ के लिए? ये वैसे छोटे मोटे कामों के लिए, जैसे कि अगर फ्लावर लगाने हैं या कर्टन लगाने हैं किसी भी चीज़ के लिए, उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए हर महीने ऐसे कर सकेंगे, उनका उन्होंने खुद कहा कि मैं हर महीने दिया हूँ। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू देवी एडवोकेट और मैं यहाँ की मेंबर जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। MLA साहब रामकरण काला जी आए, उन्होंने वकीलों की समस्याओं को सुना और उन्होंने हमारी टाइल्स और बाउंड्री के लिए ग्रांट पास कर दिया और जल्द से जल्द काम शुरू हो जाए, और इससे सभी वकीलों को इलाका वासियों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा कोर्ट भी तैयार है, कुछ ही दिनों में कोर्ट का और चैम्बर का उद्घाटन होने वाला है। मेहरबानी, शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।